अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ज़रिए ही कैसे अपने ऐड चला सकते हैं, और इंस्टाग्राम के बारे में ए टू जी तमाम ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो लिहाजा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल आसानी से समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। इंस्टाग्राम के बारे में आप जो भी मालूमात है आपको इस वीडियो के आखिर तक हर मालूमात इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएगी। तो गुजारिश है कि इस वीडियो का आखिर तक लाजम देखें। तो आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम एक फेस पहले इंस्टाग्राम का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता चलता हूँ कि इंस्टाग्राम क्या चीज़ है। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक की तरह, ठीक है। तो जैसे फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह ही एक इंस्टाग्राम भी प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो ओनर है वो एक ही है, वो चेंज नहीं है, वो एक ही ओनर है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पर भी आप फेसबुक की तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं उसके लिए मैंने बकायदा वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। नहीं तो आप मेरे अकाउंट पर जाकर उसे देख सकते हैं कि आप फेसबुक पर कैसे ऐड चला सकते हैं, और फेसबुक का मुकम्मल कोर्स मैंने उधर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम का ओनर एक है और इंस्टाग्राम पर आप ऐड भी चला सकते हैं। अपनी पोस्ट जो है ना उसका हैशटैग ढूंढना जो होता है, हमें किसी गूगल प्लानर पर या कोई और ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही एक ऑप्शन है जहाँ पर आप टैग ढूंढ कर अपनी पोस्ट पर लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इंस्टाग्राम के बारे में मालूमात बहुत सी हैं जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ होन और इसका इंट्रोडक्शन, कि इस वक्त जो आपने आपके सामने खुला हुआ है इसका ये होम है। दोस्तों, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है। फिर उसके सामने कि आप जब इसे ओपन करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा लॉग इन टू फेसबुक और साइन अप। आपने साइन अप पर क्लिक करना है। आपसे आगे आपका फ़ोन नंबर या ईमेल में से एक चीज़ आपने दर्ज करनी है, जो भी आप उधर दर्ज करेंगे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, आपने वो दर्ज करना है। फिर आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, आपने वो देते साथ ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाता है, वो कैसे चेंज किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपने वो आसान एक मेथड है, वो इतना मुश्किल नहीं है, जो मैं आपको उसके लिए भी मैं बैक पर जाऊँ और उसकी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आपके सामने इस वक्त जो है ये इंस्टाग्राम का होम है। ऊपर आपको राइट पर जो एक बटन नज़र आ रहा होगा मैसेंजर का तो हर शख्स को पता है कि मैसेंजर क्या है। इस पर आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी से मैसेज रिसीव कर सकते हैं, तो ये मैसेंजर हर किसी को पता है। बस सब की तरह भी यहाँ ये एक मैसेंजर, ये इंस्टाग्राम का खुद का है। इसके साथ एक आपको दिल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, तमाम नोटिफिकेशन जो आपके दोस्तों की तरफ से या जो जिसने आपको फॉलोइंग किया या जिसने आपकी रील्स को लाइक किया है, वो तमाम नोटिफिकेशन आपको इधर मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये टिंग टोंग 77567 ने मेरी रील्स को लाइक दिया है, कि तो इसका नोटिफिकेशन मुझे यहाँ मिल चुका है, और जिसने मुझे फॉलो किया, मैंने उसे फॉलो बैक किया, तो उसका भी नोटिफिकेशन मुझे इधर मिल चुका है, ठीक है ना। आपने बैक पर आना है, बैक पर नीचे जो है ना, नीचे लेफ्ट साइड पर जो है ना आइकन ब्लैक कलर में खड़ा है होम, इसे कहते हैं होम। इस वक्त ये हमारा होम ही सेलेक्ट है, ठीक है। इसके साथ जो है ना सर्च बार है, आपने इधर क्लिक करना है। तो आपने ऊपर जो सर्च बार है उसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपने दोस्त की आईडी या जिसे भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आप इधर सर्च कर सकते हैं। ये सर्च बार है, आप इधर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं देख देता हूँ MNB टैग, ये देखिए नीचे टैग आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो, ये देखें कितने चैनल आ गए MNB के टैग।
उसके साथ मैं अकाउंट पर, ये तो टॉप पर है, टॉप ट्रेंडिंग पर, फिर अकाउंट तो देखते हैं, ये अकाउंट है ठीक है ना, MNV के नाम से, ये आदियो, इनकी कोई आदियो होगी तो वो भी आ जाएगी ठीक है ना, ये एक आदि में बदनाम ठीक है, इसके साथ टैग्स। देखो मैंने आप दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आप इधर से ही टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जो आप सर्च करेंगे उसके टैग ये नीचे दे देगा। ये देखो MNB 100 पोस्टों में यूज़ हुआ है, MNB टैग 100 पोस्टों में यूज़ हुआ है, MNB टैग टेक्नोलॉजी 100 पोस्टों में, ये आपको कंप्लीट डिटेल बता देगा। और प्लेस ठीक है, अगर इन्होंने प्लेस दर्ज की होगी तो वो भी इधर आ जाएगी ठीक है। तो पर अगर आप क्या कहते हैं, इधर सर्च करके नीचे से टैग नहीं ढूंढना चाहते, आपके एक और ऑप्शन भी है, आप ऊपर जाना है और आपने हैशटैग और आगे जिसके बारे में आप ढूंढना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट बनाइए आपने एक फूल के बारे में, तो आपने हैशटैग लगा के FWDFood ये लिख देते हैं। तो ये देखें आपको हैशटैग बता रहा है कि 496 मिलियन में ये टैग यूज हुआ है, 79.8 मिलियन पोस्टों में ये यूज हुआ है। तो ये आप इधर से देख कर अपनी पोस्ट पर लगा सकते हैं, आपको किसी गूगल प्लानर पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिंपली यहीं पर ही ये फीचर एक मिल जाता है। तो होप सो आपको ये सर्च बार की समझ आ गई होगी। बैक पे आना, ये तो सर्च बार था, ये साथ आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, ये है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अच्छा आप अपनी जो पोस्ट वगैरह हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, और यानी कि जैसे ये पोस्ट खड़ी है, मैं इसको आपको होना बताता हूँ, ये पोस्ट है, आपने इसे सेलेक्ट करना है, या ऊपर गैलरी ये बनी हुई है, ये देखे जहाँ पर ना, यहाँ पर आपने पोस्ट सेलेक्ट किया, इसके ऊपर ये गैलरी का ऑप्शन है, आप इन्हें क्लिक करना है, तो ये आपको फोल्डर दिखा रहा है, आप किसी फोल्डर में आपकी पोस्ट पड़ी है वहाँ पर जाके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। ये तो पोस्ट का था ठीक है, पोस्ट इसी तरह स्टोरी रील्स और लाइव भी है ठीक है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम ही प्रोसेस है। बैक पर आना है ठीक है, ये तो प्लस का आइकन था, ये साथ आपको एक रील्स का आइकन भी मिलेगा प्लस के साथ, आपने इसके पर क्लिक करना है, तो ये देखें ये रील्स जारी हो गई हैं ठीक है ना, आप इधर बैठ कर कोई भी रील्स देख सकते हैं। तो उसके साथ ये है प्रोफाइल का ऑप्शन, देखिए दोस्तों ये प्रोफाइल, ये आपकी जो इस वक्त खुली हुई है ये आपकी प्रोफाइल है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सबसे ऊपर ये हमें बता रहा है, अभी आप इस पोस्ट को बुक कर दो, हम इसे कट कर देते हैं, तो इस तरह का कोई इंटरफेस होगा। ये देखिए ऊपर आपको आपकी पोस्टें दिखा रहा है, साथ में आपके फॉलोअर दिखा रहा है, साथ में कितने लोगों को आपने फॉलोइंग किया है वो भी दिखा रहा है, नीचे का नीचे मुझे अपनी ही पिक के नीचे नाम मेरा बता रहा है, फिर उसके नीचे में एक कैटेगरी और ये बायो, फिर उसके नीचे लिंक एड्रेस, ये कैसे लगाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें तब्दील की जाती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आप ऊपर लेफ्ट साइड पर देखें, आपको 3 लाइंस मिल जाएंगी, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, और इसके साथ प्लस आइकन है, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले मैंने आपको बताई है, पोस्ट वगैरह रील्स कर अपलोड करने का तरीका सेम वही तरीका है, वो भी इधर है ठीक है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी अपने अपने इस अकाउंट के बारे में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसके नीचे एडिट प्रोफाइल है ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और इसके साथ शेयर प्रोफाइल है, और उसके साथ कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यानी कि माई व्यूवर्स हमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है। ये तो अभी इस वक्त पोस्ट सेलेक्ट है, यहाँ पर एक छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हैं, आप उस पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो ये हमें यहाँ हमारी पोस्ट है और रील्स वगैरह दिखा रहा है ठीक है, तो इसके साथ क्लिक करेंगे तो ये हमने जो रील्स अपलोड की होंगी उस पर जितने क्लिक का है सब कुछ वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर फोटोज वगैरह जो आपने अपलोड की होंगी वो दिखाएगा। और जैसे ये जैसे कि मैं ये एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए पोस्ट मैंने सेलेक्ट की है, तो ये नीचे मुझे एक बटन दे रहा है सेंड मैसेज व्हाट्सएप रेड कलर में ठीक है ना, तो ये कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है यानी कि इसके इंट्रो के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो अब मैं आपको एडिट प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। सिंपली दोस्तों आपने जब सब कुछ सेटिंग इंट्रो आपको पता चल गया है तो आपने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा,
ऊपर ऊपर प्रोफाइल के नीचे आपको पिक नज़र आ जाएगी, उसके साथ आपको अवेटर नज़र आ जाएगा। आपने पिक कैसे चेंज करनी है, तो या तो आप पिक पर क्लिक कर दें जैसे मैंने किया, या इसके नीचे एडिट पिक पर क्लिक कर दें। दोनों पर सेम ही ऑप्शन आएंगे। वो हमसे पूछ रहा है न्यू प्रोफाइल पे कि आप न्यू लगाना चाहते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक यानी फेसबुक से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, यूज अवेटर या अवेटर लगाना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं। ये देखें साथ अवेटर है, अवेटर को आप एडिट कर सकते हैं और एडिट प्रोफाइल पिक, इसे ऑन कर देंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पिक पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू प्रोफाइल पिक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमारी स्क्रीन जो है ना आपको ब्लैक दिखाई देगी, क्योंकि ये प्राइवेसी है। हम अपने जो है ना प्रोफाइल अपनी घर की चीज़ें इधर नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको इस पर क्लिक करके बता देता हूँ। इधर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको इसका स्क्रीन शॉट लेके वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा और बता दूँगा। ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, आप ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ऊपर जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो उसके बाद ये गैलरी है, गैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फोल्डर दिखा रहा है, और इसमें से आप कुछ भी जिस फोल्डर में आपने अपना लोगो बना कर रखा हुआ है, तो वो फोल्डर आप इधर सेलेक्ट करके अगर एरो पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, और फोल्डर में जो पोस्ट पड़ी वो सेलेक्ट हो जाएगी, और एरो पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी पोस्ट इधर लग जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आपको ये नेम का बता रहा है कि नेम आपने आपने अपना नेम कैसे क्या रखा हुआ है, आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी रखना चाहिए उसे रख कर क्लिक करेंगे तो ये आपका नाम ऐड हो जाएगा। नीचे आपको यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, यूज़र नेम ये देखें, यूज़र नेम आप याद रखें छोटे अल्फाज में लिख सकते हैं या डैश डाल कर या पॉइंट डाल कर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बिग लेटर में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, और बिल्कुल साथ साथ इसमें कोई स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यूज़र नेम बेसिकली आपके सर्च के वक्त इस्तेमाल होता है, और भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने इनमें से कोई भी यूज़र नेम अपना जो रखना चाहते हैं वो रख कर टिक पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे प्रोनाउन है, यहाँ पर आप अपने डिवीजन सूबा या कोई वो चीज़ दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके नीचे मैं आपको बायो का बताता हूँ। ठीक है, बायो पर आपने क्लिक करना है, तो मैंने जो बायो दोस्तों बेसिकली आप पहले बायो समझे, बायो क्या चीज़ है। बायो एक ऐसी चीज़ है कि यानी कि जो भी आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसे बायो देख पता चल जाए कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, कि अगर हम इससे कोई बातचीत करेंगे तो हम इसके मतलब इससे बात कर सकते हैं, इससे ये प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, इससे ये चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इधर मैं एजुकेशन लिख दूँ तो वो मुझसे एजुकेशन के मुतल ही सवाल कर सकता है, उसके अलावा वो उसे और कोई सवाल कर सकता है, लेकिन उसे ये पता होगा कि भाई ये चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इससे उसे आसानी होगी व्यूअर्स को ढूंढने में कि ये बंदा क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, और उसे कोई झंझट नहीं होगी। ठीक है, बैक पर आना है, टिक पर जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने उधर लिख कर ऊपर टिक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। नीचे लिंक का आपको ऑप्शन मिल गया, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें आपको दो लिंक आ गए, एक फेसबुक प्रोफाइल का और एक व्हाट्सएप लिंक। दोस्तों ये व्हाट्सएप लिंक मैंने खुद लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा होता है ऐड लिंक। ऐड लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये नीचे जहाँ व्हाट्सएप लिखा हुआ है तो ऊपर आपको आएगा टाइटल बार और नीचे लिंक। आप किसी चीज़ का भी लिंक इधर ऐड कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का भी दर्ज कर सकते हैं, अपना फेसबुक का भी दर्ज कर सकते हैं, फेसबुक पेज का, और ट्विटर टम्बलर किसी का भी आप इधर ऐड कर सकते हो। ऊपर है फेसबुक प्रोफाइल, ये ऑटोमेटिक पहले से होता है, और इसे क्या कहते हैं इसके अंदर ऐड करने का तरीका यही है कि आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपको ले जाएगा। मेरा तभी इस वक्त दर्ज है तो वो मुझे कह रहा भी मूव फ्रॉम बायो, यानी कि वो आप कहता है आप मूव करो पहले, तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऑटोमेटिक दर्ज है। आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा फेसबुक पर, वहाँ पर आपने जाके इसका लॉगिन ऐड करना है तो ये आपका इधर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो बैक पर चलते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों याद रखें दो ही लिंक ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। ये तो आपका लिंक, इसके नीचे है पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन तब भी आएगा जब आपका
अकाउंट या तो क्रिएटर होगा या तो बिजनेस होगा, ठीक है ना। अदरवाइज पर्सन होगा तो वो आपका इधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मेरा चूँकि इस वक्त बिजनेस है तो मैं आपको बिजनेस और क्रिएटर में ये सेम ही ऑप्शन होते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है ना। ठीक है, तो बिजनेस और क्रिएटर में यही होता है कि बिजनेस में आप बिजनेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्रिएटर में आप कुछ भी यानी कि जो भी चीज़ मिले वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आगे पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसके नीचे आपको पेज का ऑप्शन मिल गया है दोस्तों। ये पेज फेसबुक पेज की बात हो रही है यहाँ पर, ये किसी और पेज की वेबसाइट या कोई और पेज की बात नहीं हो रही है, फेसबुक पेज की है। मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों का ओनर एक है, तो इसलिए ही तो उसने अपना ना फेसबुक पेज की इधर वो दी है। तो आपने ये फेसबुक पेज है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा तो वो ऑटोमेटिक कंफर्म पूछ रहा है, तो आपने इधर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ऐसे कंटिन्यू पर करते जाएंगे तो आपसे ये देखें कंफर्म कनेक्शन पूछे, कन्फर्म क्वेश्चन या नहीं, आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने मैंने इसे ऑलरेडी किया हुआ था, तो इससे मुझसे पूछे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा क्रिएट न्यू पेज या एग्जिस्टिंग पेज। तो याद रखें दोस्तों, ये एक अगर एक अकाउंट आपने बनाया और एक ही आपके पास पेज है तो वो एक ही पेज एक अकाउंट पर लगेगा, दूसरे अकाउंट पर वो पेज नहीं लग सकता, ठीक है ना। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक ही अकाउंट पर एक ही पेज आप दर्ज करें, ठीक है ना, अलग-अलग दर ना दर्ज करें। उसके नीचे आपको दोस्तों एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है कैटागरी। पहले तो आप तो कर आपको कैटागरी के बारे में बताओ कि कैटागरी क्या चीज़ है, ये क्या है क्या नहीं। तो इससे पहले बेसिकली ये समझें कि एक तो है बायो और कैटागरी, ये दोनों इनका मीनिंग एक जैसा है पर काम थोड़े थोड़े डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। कैटागरी यानी कि मिसाल के तौर पर आप ले रहे हैं कि आप कोई स्कूल को पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह को पढ़ाते हैं, तो वो एक कैटागरी आ गई कि मैं एक एजुकेशन मैंने एजुकेशन कैटागरी है, और आगे जो बायो है बायो में आप स्कूल में पढ़ाते हैं और ये चीज़ें पढ़ाते हैं, ये होगी आपकी बायो। और क्या पढ़ाते किस चीज़ के मतलब पढ़ाते हैं, एजुकेशन के मतलब, ये होगी आपकी कैटागरी। एजुकेशन यानी कि हम पढ़ाते हैं भाई ई कॉमर्स, और किसके किस चीज़ के मतलब पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग FBA IBM, ये हो गया बायो। और ई कॉमर्स पढ़ाते हैं, ये होगी कैटेगरी ई कॉमर्स कैटेगरी, और फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर, ये हो गया आपका ये बायो, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बायो और कैटेगरी में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके नीचे ये तो आपने इधर सेलेक्ट करना है कैटेगरी में, यहाँ पर आप यानी कि किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जो चीज़ आप प्रोवाइड करें उधर सर्च करेंगे, सर्च करके ऊपर आपको लेफ्ट साइड पर एक एरो का टिक का निशान आएगा, आपने इस पर क्लिक करना तो ये आपका एरो हो जाएगा। इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे कि आपका जो व्यूवर है आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें कुछ इंटरफेस इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर आपसे पहले पूछ रहा है आप मैंने देखें ईमेल दर्ज की हुई है, ठीक है ना। आप इसी तरह भी आप भी ईमेल दर्ज कर सकते हैं, वो कैसे आपने ये देखे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे ईमेल मांगेगा, आप ईमेल दर्ज करेंगे और आपसे फिर वेरिफिकेशन मांगेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखे मेरा क्लिक करेगा, मैं से आया तो क्यों, ये मैं से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखे मैं ये यहाँ पर तो ईमेल दर्ज करूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा ऊपर, हो सकता है आपसे वेरिफिकेशन भी मांगे, कई बार नहीं भी मांगता, ठीक है ना। तो आपने परेशान नहीं होना, नीचे आ जाना, नीचे आपसे फ़ोन नंबर मांगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ, मैंने नीचे टेक्स्ट किया हुआ कि इस नंबर पर मुझे ये टेक्स्ट कर सकता है, कॉल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मुझे टेक्स्ट ही कर सकता है, मैंने उसे इंफॉर्मेशन दी हुई भी आप टेक्स्ट कर सकते हो और कॉल नहीं कर सकते, अपने व्यूअर को पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है ना। बैक पर आ जाए, आप इनमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, दो नहीं सेलेक्ट कर सकते, दोनों एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपका एड्रेस है, आप एड्रेस देंगे जहाँ पर रहते हैं, देना चाहें तो दे दें, नहीं तो दे दें तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके नीचे आपको ये इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग, इस पर क्लिक करेंगे कि यानी कि इंस्टाग्राम पर आपको कोई ऑडियो कॉल कर सकता है कि नहीं, ये पूछ है। इनेबलिंग कॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, आपसे इंस्टाग्राम पर कॉल करके बात कर सकता है कि नहीं, ये आप इधर
करना चाहें तो उनका क्लिक पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे दोस्तों ये है व्हाट्सएप बटन, इसे आपने क्लिक करना जाए। इससे ये जब तक आप नहीं लगाएंगे, आपकी पोस्ट के नीचे जो मैंने आपको बटन दिखाया था वो यही चीज़ होती है। ये बटन आप ऐड करेंगे तो उधर भी ये बटन लग जाएगा। आपको मैंने पोस्ट के नीचे बटन बताया था, ठीक है ना। ठीक है, वो पोस्ट के नीचे बटन वो यही चीज़ होती है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो उधर वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ऐड करने वो जब मैं आपको पोस्ट करने का तरीका बताऊंगा तो वो तब आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। वो पोस्ट करने का तरीका यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये देखें चेंज व्हाट्सएप नंबर और रिमूव नंबर। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट्सएप नंबर या फिर चेंज व्हाट्सएप नंबर, ऐसा करके आपने उस पर क्लिक करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, फिर वो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा आपके व्हाट्सएप पर, आपने वो दर्ज करना है और व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपसे सब कुछ पूछा और नीचे एंड पर पूछा है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, यानी कि जो डिस्प्ले था आपका, जहाँ पर आपकी पिक लगी हुई थी, जहाँ पर आपके फोर फॉलोइंग लिखे हुए थे, वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले हों कि ना हों आपकी मर्ज़ी। आप इसे ऑन कर देंगे ये तो डिस्प्ले हो जाएंगे, अगर ऑफ कर देंगे तो उसे आपके प्रोफाइल के अंदर आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है तब भी ना मिले, तो ये आप आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। ऊपर टिक पर क्लिक कर देंगे लेफ्ट साइड पर तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके नीचे आपको एक्शन बटन मिलेगा, ठीक है, आपने इसे पर क्लिक करना है। तो ये एक्शन बटन दोस्त ज़्यादातर ना ऐड वगैरह चलाने के वक्त काम होता है, ऐड जब चलाते हैं आप तो तब ये काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐड के नीचे ऑर्डर ना हो, बुक ना हो, वेबसाइट ऐसे का कुछ लिखा होता है, तो वही ऑप्शन है, आप अपनी पोस्ट के नीचे भी इसे लगा सकते हैं। तो ये वो बता रहा है, आपने बैक पर जाना है, आपने एक्शन बटन का मीन आपको समझ आ गई होगी। तो इसके नीचे आपको प्रोफाइल डिस्प्ले जो हमने पीछे पढ़ा है वही डिस्प्ले है, कि आप अपनी डिस्प्ले कैटागरी दे भाई, यानी कि कैटागरी को डिस्प्ले पर लाना चाहते हैं कि नहीं। मैंने लाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इसे इनेबल किया हुआ है, ठीक है ना। ये इनेबल है, वो पूछ रहा है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फो को भी आप डिस्प्ले में लाना चाहते हैं कि नहीं। मैं चाहता हूँ भी हाँ लाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे भी इनेबल किया हुआ है दोस्तों। ये कहें डिस्प्ले हमें नीचे दिखा रहा है कि हमारा डिस्प्ले कुछ कैसा होगा, शुरू पर हमारी पिक लगी होगी, साथ में आप हमारे फॉरवर्ड फॉलोइंग पोस्टर में आपको बताएगा, और नीचे ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे पहले कैटेगरी लिखी हुई है, फिर उसके नीचे ही बायो लिखी हुई है। पहले वो कैटेगरी बता रहा है भाई इस कैटेगरी में ये काम करता है, फिर उसके नीचे बायो बता रहा है भाई इससे के मतलब ये काम करता है, इस कैटेगरी में इसके मतलब ये काम करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नीचे आप ये भी बता रहा है टेक्स्ट ईमेल और व्हाट्सएप, यानी कि इन पर आप ये हमसे हम वो हमसे व्यूवर्स हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऊपर मैंने टिक पर क्लिक करना है तो ये आपका ऐड हो जाएगा। मैं होप्स आपको सब समझ आ गई होगी। प्रोफाइल में एंड पर एक ऑप्शन रह गया जिसका नाम है पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो हमने ऊपर दी है, ठीक है ना, वही सेम इधर मांग रहा है, इधर दी हुई है। तो आप इसे फेसबुक पर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ऑन फेसबुक पर आप क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक प्रोफाइल पर भी अपडेट हो जाएगी, ठीक ना। सिंपली आपने बैक पर क्लिक करना है, ऊपर लेफ्ट साइड पर एक टिक का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये जो आपकी प्रोफाइल ये जो आपने एडिट प्रोफाइल की है तो ये आपकी प्रोफाइल एडिट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जिस पर आप वो कैसे शो होगी। जिस पर आपको आप सबसे पहले आपकी पिक नज़र आएगी, उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके साथ ऊपर लिखा हुआ है पोस्टर वगैरह, और उसके साथ फॉलोअर्स लिखे हुए हैं, और उसके साथ फॉलोइंग लिखी हुई है कि आपने कितनों को फॉलोइंग किया हुआ है, और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम देखें नाम भी लिखा हुआ है, उसके नीचे कैटागरी, और फिर हमारी बायो लिखी हुई है। देखें पहले उसने कैटागरी लिखी है और फिर बायो लिखी है, और वो पहले बायो भी लिख सकता था लेकिन एक प्रोसेस होता है, फिर उसी के मतलब इंस्टाग्राम को भी वर्क करना पड़ता है। तो उसके नीचे ये तो होगी कैटेगरी वगैरह, तो उसके नीचे ये देखें आपको फेसबुक प्रोफाइल और वन अदर लिंक, ये देखें ये ऑप्शन दे रहा है, कई लोगों का ये ऑप्शन नहीं देता। इसके नीचे इधर लिखा होता टू लिंक्स, इधर तो नाम लिखा हुआ है ना, तो कईयों का इधर नाम नाम नहीं लिखा होता, इधर लिखा होता टू लिंक्स। जैसे मैंने लिंक पर क्लिक किया तो हम ये देखें इनमें से किसी पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो मुझे फेसबुक प्रोफाइल या व्हाट्सएप पर ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक आसानी होगी, वो आपकी वेबसाइट पर जा सकता है इधर से आसानी से।
मीन आपको इसकी समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है। और उसके नीचे ये एड्रेस जो आपने उधर एड्रेस दिया था वो आपको इधर शो कर रहा है। मैंने कहा नहीं वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन, आपने उसे ऑन किया होगा तो ये सब कुछ आपको इधर दिखाई देगा, अदरवाइज अगर आपने उसे ऑफ किया होगा तो आपको इस इधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये सब कुछ वो रिमूव कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, एडिट प्रोफाइल की आपको समझ आ गई होगी। अब आपको मैं डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ कि डैशबोर्ड पर आपने क्या क्या सेटिंग करनी है, डैशबोर्ड क्या है, और डैशबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा कंप्लीट डिटेल मैं बताता हूँ। दोस्तों सिंपली आपने अब डैशबोर्ड के बारे में आपको बताता चलता हूँ कि आपने से डैशबोर्ड का क्या क्या सेटिंग करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था डैशबोर्ड क्या चीज़ है, डैशबोर्ड एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जहाँ पर आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट के मुतालिक, अपनी प्राइवेसी लगा सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं, और टू फैक्टर तक आप लगा सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं चेंजिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट के मुतालिक। ठीक है ना, एडिट प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल के मुतालिक चेंजिंग कर सकते हैं, और इसमें आप अपने अकाउंट के मुतालिक चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपली आपने ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको थ्री लाइन नज़र आ रही होंगी, आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपका डैशबोर्ड और मेन्यू बोर्ड है। आपको पहले पहले सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं इसको आपको बताता चलता हूँ थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट, ताकि वीडियो लंबी ना हो आपको समझ भी आ जाएगा। आपने यहाँ पर ऊपर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है, अगर सेटिंग में आपको कुछ नहीं मिला तो आप सर्च बार में सर्च करके अभी उसे ढूंढ सकते हो। नीचे आपको फॉरवर्ड फॉलोइंग का ऑप्शन, इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं फॉलो कॉन्टैक्ट के जरिए भी, ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, और व्यू दूसरे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है उसके जरिए आप अपने जो है ना फ्रेंड को इधर ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। इसके नीचे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये बता रहा है अभी पीयूष आ पहले पहले, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे दिखते हैं तमाम ये इसने बताए हुए ये नोटिफिकेशन हमें मौसूल नहीं होंगे, या हम पीयूष आ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं पोस्ट स्टोरीज ऑन कमेंट, यानी कि इसके मुझे नोटिफिकेशन आए, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि लाइक्स ऑफ, यानी कि लाइक्स का मुकम्मल ऑफ कर दें, लाइक्स लाइक का यानी कि आपको कोई नोटिफिकेशन आई, या फिर फॉर्म पीपल यानी कि लोगों की तरफ आई फॉलो, जो आप जिन लोगों को आपने फॉलो किया है उसका नोटिफिकेशन आपको आए, या एवरी वन सारों का ही आए। ठीक है ना, सारों का ही आपको आए। देखिए नीचे आपको कमेंट का भी ऐसे बता रहा है तो कॉमन का ऑफ हो, यानी कि जिन लोगों ने आपको जिन लोगों को आपने फॉलोइंग किया है उनके कमेंट आपको आपको आए, या फिर एवरीवन हर किसी का आया आपको। तो नीचे आपको फ़ोटो का भी ऐसे कह रहा है, जो आपने फ़ोटो अपलोड की है उसके मुतालिक वो जो है ना फॉलो वगैरह वो ना वो आपको उसका आप ऑफ हो, या फिर जिसने फॉलो किया उसको नोटिफिकेशन आए, या सब का आए, यही नीचे आपको पूछता रहेगा, सेम ही ऑप्शन है, कुछ चेंज नहीं है। पहले नंबर पर ऑफ हो गया यानी कि इसे ऑफ कर देंगे, आपको कोई नोटिफिकेशन इसके मुताबिक नहीं मिलेगा। उसके नीचे फॉर्म पीपल आई फॉलो, यानी कि जिस जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है सिर्फ वही उनका नोटिफिकेशन ये आपको मिलेगा और उसके अलावा नहीं मिलेगा। उसके नीचे फॉर्म एवरीवन, यानी कि ये हर किसी का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा, आपने ये सिलेक्ट करना है। नीचे फॉलोइंग एंड फॉलोअर, इसका भी सेम ही ऑप्शन यहाँ पर ऑन ऑफ है, यानी कि न्यू फॉलोअर जो आपको न्यू जो आपका फॉलोअर होता है उसका नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्सेप्टेड फॉलोअर, यानी कि आपने किसी की फॉलोइंग एक्सेप्ट की है तो उसका नोटिफिकेशन, अकाउंट सजेशन का, और भी यहाँ पर जो आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेम ऑप्शन सब का है, कुछ भी चेंज नहीं है, जिसमें चले जाएंगे सेम ऑन ऑफ का होगा या ऑफ फ्रॉम आई फॉलो ये ऑप्शन आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं है इसके। आप नोटिफिकेशन की उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। बैक पर जाएंगे बिजनेस दोस्तों, ये देखें ये तब आपका बिजनेस शो होगा जब आपका अकाउंट बिजनेस बना होगा। आप अपने अकाउंट को कैसे बिजनेस बना सकते हैं, और बिजनेस से कैसे क्रिएटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसे पर्सनल दोस्तों आपका अकाउंट पर्सनल बना होगा, आपने उसे कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप ये समझें कि आपका बिजनेस अकाउंट बना है, बिजनेस यहाँ पर अगर आपका बिजनेस बना होगा तो बिजनेस अकाउंट ही शो कराएगा, अगर क्रिएटर बना होगा तो क्रिएटर बना दिखाएगा। ऐड पेमेंट मेथड, ये देखें पहले आपको पेमेंट मेथड के बारे में ये पूछ रहा है कि पेमेंट मेथड आप ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप इधर ऐड कर देंगे तो जब आप अपने बूस्ट वगैरह करेंगे तो वो आपकी ना
पेमेंट मेथड यहाँ पर यदि ऐड होगा तो वहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने ऐड नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चार चीज़ें यहाँ से पूछेगा, नेम ऑन कार्ड, CVV, एक्सपायरी डेट और यही आपसे, और नाम ऊपर, ठीक है ना, नंबर और नाम ये पूछ लेगा। ब्रांड एंड कंटेंट, ये आपसे ऐड सजेशन, सेव रिप्लाई, यानी कि जो आपको मैसेज करेगा तो उसे ऑटोमेटिक आप सेव द रिप्लाई जो क्यों ही है तो उसे सेलेक्ट करके उसे आप सेंड कर सकते हैं। वेलकम मैसेज, यानी कि जो आपको मैसेज करेगा तो पहले, सबसे पहले वेलकम मैसेज जाएगा। मिनिमम एज, मिनिमम एज यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एज क्या फॉरवर्ड आपसे कॉन्टैक्ट कर रही है वो। बैक पर आप चलते हैं, ये कोई इसका इतना नहीं है कि आप इसे समझेंगे क्या क्या चीज़ है। इसे आप छोड़ दें तो उसका भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। बिजनेस को आप छोड़ भी देंगे ना, सिंपली ये एक ऑप्शन ही होता है आपके, ये बताता है कि आपका अकाउंट इस वक्त कौन सा बना हुआ है, ठीक है ना। ये इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर क्रिएटर लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा भाई हमारा जो ये अकाउंट है ये क्रिएटर है, ठीक है। इसके नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आपको बता रहा है कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो ये प्राइवेट अकाउंट को आपने इनेबल कर देना है, तो ये आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। जो भी आपका फॉलोअर होगा वही आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और कुछ कर सकता है, उसके अलावा कोई आपकी इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ नहीं देख सकता, ठीक है ना। उसके नीचे लिमिट पूछ रहा है, इंटरेक्शन की लिमिट और हाइड वर्ड, किन अल्फाज को आप हाइड करना चाहते हैं, कमेंट वगैरह, पोस्ट वगैरह जो मैं आपको पहले बता दिए, नोटिफिकेशन में वही पूछ रहा है इधर, ठीक है ना। कुछ चेंज नहीं है। बैक पर आपने आना है, इसके नीचे सुपरविजन आपने इस पर क्लिक करना चाहिए। देखें एजुकेशन होब हेल्प सेंटर, आप इसके अंदर ना जाएं, ये मेटा का न्यू वर्जन लॉन्च हुआ थी उसके बारे में बताएगा। और इसके नीचे सिक्योरिटी, दोस्तों आपने सिक्योरिटी पर लाजम जाना है। सिक्योरिटी का, जब तक आप अपने अकाउंट को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो हो तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट हैक हो जाए या कोई मसले मसाइल आ जाए तो या आपका वो काम पर नहीं होगा। आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। ये पासवर्ड आपने इस पर क्लिक करना है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अपने करंट पासवर्ड लगाना है, फिर न्यू पासवर्ड लगाना है, फिर उसके बाद री इंटर न्यू पासवर्ड लगाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा सेव, ठीक है ना। लॉग इन एक्टिविटी बताएगा कि आपको इस वक्त मोबाइल कहाँ पर लॉग इन हो, पहले कहाँ कहाँ आपका ये जो अकाउंट है लॉग इन हो चुका है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। और ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए सेव द लॉग इन इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना लॉग इन इन्फॉर्मेशन वो सेव कर देगा। उसके नीचे दोस्तों आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नजर आएगा, इसे आपने लाजम ऑन करना है अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये देखें, ये आपको पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन। आप यानी कि पहले आप तो समझे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो चीज़ होती है जब आपका अकाउंट हैक कोई करने लगे या कोई बंद हो जाए, बैन हो जाए, तब ये काम आता है। ये इसकी तरफ से जो वेरिफिकेशन कोड हमने लगाया होगा वो आपको सेंड करेगा, उसके ज़रिए आप अपनी जो है ना अकाउंट रिकवर करा सकते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा मेन फ़ायदा यही है, आप अपने अकाउंट को रिकवर करा सकते हैं। और अगर किसी बंदे के पास, किसी शख्स के पास आपका नाम भी है, ईमेल नाम और यानी कि आपका जो है ना पासवर्ड भी मौजूद है इंस्टाग्राम का, तो वो तब भी इसको हैक नहीं कर सकता। अगर वो हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा भाई ये बंदा आपकी है, ये परमिशन मांग रहा है, आप इसे अलाउ करना चाहते हो कि नहीं। अगर आपने अलाउ कर दिया तो वो उसके पास ऑटोमेटिक खुल जाएगी। आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो वो आपको कहेगा भी इसका पासवर्ड चेंज कर दो, ठीक है ना। यहाँ अपने सबसे नीचे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपने इसे ऑन कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर देंगे और इसे वेरिफिकेशन आएगा आपका, इधर ये व्हाट्सएप बटन ऑन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। इससे आपको लॉगिन, आपको जो मैसेज रिकवर होगा वो व्हाट्सएप के ज़रिए होगा, ठीक है ना। नीचे टैक्स मैसेज, यानी टैक्स मैसेज के ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। ये दो ऑप्शन आपने ऑन कर देना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है ना। बाकियों के अंदर आपने नहीं जाना, वैसे आप देखना चाहें तो इस पर एक क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉगिन रिक्वेस्ट, बैकअप कोड देखें दोस्तों, ये बैकअप कोड है, ये अपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये तब भी इस्तेमाल आते हैं जब आपका अकाउंट, ये देखें अकाउंट रिकवरी उसने बताया भाई, जब आपका अकाउंट जो है ना रिकवर कराना होता है ना तब भी ये कोड आपको, जैसे ये मेरे कोड है ये तब ही काम आते हैं, अदरवाइज उससे पहले काम नहीं आते, ये तब भी काम आते हैं, ठीक है ना।
ट्रस्टेड वॉइस, ये भी एक चीज़ है। भी आपका आप जो है ना जिस डिवाइस पर लॉगिन है इसे ट्रस्टेड करना चाहते हैं कि नहीं, वो भी कर सकते हैं। बैक पर जाएंगे। उम्मीद है आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ आ गई होगी। इसके नीचे ईमेल फॉर्म, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम पर आपकी कौन सी मेल लगी हुई है देखे मुझे बता रहा है। अभी कल ये लगी हुई थी, उससे पहले ये लगी हुई थी, और उससे पहले यहाँ पर लॉगिन हुआ है, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हैं। उसके नीचे सिक्योरिटी चेकअप, इस पर आपने क्लिक करना है तो अपनी सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप जितनी बार भी इधर आएंगे ये हर बार आपको ये बताएगा भाई इसे चेंज करो, ये करो। यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, शुरू में ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन तीसरा मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, और चौथा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपने पीछे चार ऑप्शन किए हैं वो सारे ऑप्शन आपको इधर सिक्योरिटी चेकअप में दे देता है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने ये सब कुछ करके कंटिन्यू सिक्योरिटी चेकअप या फिनिश करके आपने आगे मूव कर जाना है। फिर ऐप्स और वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी इस इंस्टाग्राम पर जो वेबसाइट का लिंक लगा होगा जिसका जो होगा वो आपको इधर शो कर देगा। जैसे मेरा टिकटॉक का लगा हुआ है तो ये मुझे बताया भाई इसका आपसे आपके इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट है। आप इसे रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, व्यू एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ एक्सपायर देखा है, ठीक है, इसके साथ ही आपको मिल जाएगा ये देखें रिमूव का, तो ये आप इधर देख सकते हैं। बैक पर आएंगे, सिक्योरिटी का ऑप्शन हो गया नीचे ऐड, इस पर आपने क्लिक करना है। ऐड टॉपिक्स यानी कि आपने इधर टॉपिक ऐड कर देने हैं, जब भी आप ऐड चलाने लगेंगे तो ये टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, आपने जो ऐड चलाना है किस टॉपिक के मतलब, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग को ले लेता हूँ तो वो देखता है शो लेस एड्स अबाउट दिस टॉपिक, यानी कि ये जो है आपको लेस नजर आए परफॉर्मेंस प्रिफेरेंस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा कर सकता है कि इसमें ना जाए तो ऐड चलाने का दूसरा तरीका आसान मैं आपको बता दूंगा, आप वही उस पर अमल करेंगे तो आपकी ऐड बहुत अच्छी और ऐसी चलेगी ना, तो आपको यानी कि खुद रिस्पॉन्स आएगा, आप कहेंगे भाई ये ऐसा हाँ भाई आपने बहुत अच्छा है दे दिया, ठीक है ना। ये आपको ये इसमें आप ना जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन टॉपिक वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट दोस्तों इस पर आपने क्लिक करना है, सेव्ड ये सेव्ड आपने इस पर ये देखे सेव्ड आपको दिखा रहा है, कुछ चीज़ आपने सेव्ड की होगी वहाँ यहाँ पर आएगी। जैसे आप कोई पोस्ट पर क्लिक करते हैं ऊपर सेव का ऑप्शन आता है तो वो आपको इधर आएगी सेव, वो आपका सीधा गली में नहीं जाएगी, वो सबसे पहले यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह आप रोज सेटिंग मैनेज इंटरेस्ट ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक एक बताने लगूंगा तो देर हो जाएगी। क्लोज फ्रेंड पर आपने क्लिक करना है तो ये देखें आपके फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जो आपके क्लोज हैं। अकाउंट स्टेटस अपने अकाउंट का स्टेटस दे सकते हैं भी, कम्युनिटी गाइडनेस और कमेंड गाइडनेस इसे आपने ऑन किया कि नहीं, नहीं किया तो कर सकते हैं। अवेटर यानी कि अवेटर के बारे में पूछा, अवेटर पर आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अवेटर चेंज वगैरह करने का पूछेगा, मैं नहीं करना चाहता, कट पर क्लिक कर देंगे। और नीचे लैंग्वेज को पर क्लिक कर सकते हैं कि आपने किस लैंग्वेज में अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करनी है। मैंने इस पर की हुई इंग्लिश ही ठीक है, बेहतर आप इसे चेंज ना करें। कैप्शन वगैरह ब्राउज़र सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेटिंग इसी की चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मैनेज इंटरेस्ट का ऑप्शन है कि आपका इंटरेस्ट किस में, यहाँ पर आप कर सकते हैं बीच में से कोई भी सिलेक्ट कर दें तो आपको वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, ठीक है ना, सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल पर आपने क्लिक करना है तो इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। कॉन्टैक्ट स्कैनिंग इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका ऑन करेंगे तो जिस नंबर पर आपका इंस्टाग्राम बना होगा तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा, आप उसे इन्वाइट सेंड कर देंगे। बैक पर आएंगे, ठीक है, शेयरिंग टू अनदर, आप इस अकाउंट को किसी और के साथ शेयरिंग भी कर सकते हो, मोबाइल डाटा यूज़ कर सकते हो, या ये देखिए इस पर देखिए डाटा सेव आप इसे इधर से ऑन कर सकते हो। अपलोड डाटा हाईएस्ट क्वालिटी यानी कि जो मीडिया आप अपलोड करेंगे तो उसे हाईएस्ट क्वालिटी में भी आप कर सकते हो। ओरिजिनल पोस्ट आपको ये ओरिजिनल पोस्ट के बारे में बता रहा है, आपने इसे क्लिक करना है, यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, ठीक है। नीचे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए हमने सेंड करनी होगी तो वो भी आप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट इसे इन्हें भेज सकते हैं।
रिव्यू एक्टिविटी ठीक है ना, ये भी वही चीज़ है। आप अपनी एक्टिविटी को रिव्यू कर सकते हैं। इसके नीचे जो जो दोस्तों आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे बिजनेस टू क्रिएटर में और क्रिएटर टू बिजनेस में चेंज कर सकते हो। आप कैसे इधर से कर सकते हैं, ये यहीं पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा। याद रखें, मैं आपको बैक पर बता देता हूँ, आपने सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग में जाना है, नीचे आपको अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसमें जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है तो स्विच अकाउंट टाइप आपने क्लिक करना है, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नया प्रोफेशनल अकाउंट बना देगा। आपने प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाना, आपने स्विच करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन होंगेगा कि आपने पर्सनल, आपका तो अगर पर्सनल बना होगा तो यहाँ पर बिजनेस और क्रिएटर शो होगा, अगर आपका बिजनेस बना होगा यहाँ तो क्रिएटर और पर्सनल शो होगा, अगर आपका क्रिएटर बना होगा तो यहाँ पर पर्सनल और बिजनेस का ऑप्शन आपको देगा, ठीक है ना। आपने जिस पर क्लिक करना है, आपने क्रिएटर पर क्लिक करना है तो ये मेरा क्रिएटर ऐड कर देगा, क्योंकि मैंने अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये मुझसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं पूछेगा। आपने अगर अपनी एडिट प्रोफाइल में सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, अदरवाइज आप इनमें से किसी एक पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कैटेगरी पूछेगा, आपसे यानी कि ऑडियंस पूछेगा, ये वो चीज़ें आपसे पूछेगा, फिर जाके वो आपका अकाउंट उसमें चेंज करेगा, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, बैक पर आते हैं, अकाउंट का उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, उसके नीचे हेल्प है, अबाउट है, थीम्स हैं, ये आपको बता रहा है। अकाउंट सेंटर पर आप कर सकते हैं कि आपकी फेसबुक के साथ क्या अटैच है और ये वो चीज़ें आप इधर अकाउंट सेंटर में, अकाउंट सेंटर का मकसद ये होता है कि इसमें यहाँ पर को मेन मेन चीज़ें वो बताएगा। देखें प्रोफाइल ये है, वे ये देखें फेसबुक की प्रोफाइल मुझे दिखा रहा है, और भी यहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ऐड और स्विच अकाउंट यहाँ से कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेटिंग्स की कंप्लीट, डैशबोर्ड में सेटिंग की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है, हम उसको कंप्लीट डिटेल बता देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, हमसे रब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। नीचे सी इनसाइट, इस पर आपने गेट इनसाइट पर आप क्लिक करेंगे, ये आपसे कंटिन्यू पूछेगा, कंटिन्यू करते जाएंगे, पे एंड पर आपको बता देगा कि आपके अकाउंट पर इतनी जो है ना इनसाइट आई हुई है, इतनी रीच आई हुई है, योर एक्टिविटी, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, योर एक्टिविटी हमने जो की होगी इस पर लास्ट डेज में वो हमें दिखाई देगा, अचीव किसी को हाई निकलना होगा तो वो हमें अकाउंट हाई निकल देगा, क्यू आर कोड वही है, सेव्ड का ऑप्शन, अगर किसी आप को पोस्ट को सेव्ड करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सेव होती है, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी पोस्ट सेव्ड होती है। यहाँ पर ये देखें, मैंने ये जो पोस्ट सेव की होंगी तो वो देखें मुझे यहाँ पर बता रहे तो ये चीज़ आपने पोस्ट सेव्ड की हुई है, ठीक है ना। उसके नीचे ऑर्डर पेमेंट मेथड, क्लेबिलिटीज है, क्लोज फ्रेंड है, फेवरेट है, डिस्कवर पीपल है, ठीक है ना। अमीन है दोस्तों, आपको डैशबोर्ड और मैन्यू बोर्ड की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आगे मूव करते हैं, हमने दो स्टेप कर दिए, तीन स्टेप, पहले इंट्रो हो गया, दूसरा हो गया हमारा एडिट प्रोफाइल का, तीसरा हो गया डैशबोर्ड और मैन्यू बोर्ड। अब हम चौथे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद फिफ्थ पार्ट और फिर आपका एंड, ठीक है ना। आपने अपनी पोस्टिंग वगैरह कैसे शेयर करनी है, उसमें क्या क्या लिखना है, और टैग का तो मैंने आपको बता दिया, टैग आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके नीचे आपको ये ऑप्शन मिल गया है प्लस का, आपने इस पर क्लिक करना है, ऊपर प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। ये मैं आपको पोस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, इनमें से किसी पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें हमारी पोस्ट वगैरह ये सिंपली हमें दोस्तों दिखा आपने जब सब देगा, कुछ सेट ठीक है ना। यहाँ पोस्ट पर आप रील्स भी ये देखें वीडियो भी मैं अपलोड कर सकते हैं, ये जैसे मेरी वीडियो है इसे भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप याद रखें, आप इससे पर 90 सेकंड से कम की एड चला सकते हैं, हो सकता है वीडियो का भी यही हो, तो इस पर आपने सेम क्लिक करना है। दोस्तों आपने पोस्ट कैसे लगानी, मैंने ये पोस्ट एक्सट्रैक्ट कर दी है, देखें आपने इसे आगे का क्या करना है, ये देखें आपको ये जहाँ पर आपने पोस्ट सेलेक्ट की है इसके ऊपर आपको गैलरी का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने जिस पर फोल्डर में पोस्ट रखी हुई है वो आपको सारे फोल्डर दिखा देगा, आप उस फोल्डर पर सेलेक्ट करके अपनी पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने इधर कहा क्या, सिंपली एरो पर क्लिक करना है, एरो पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यही प्रोसेस स्टोरी का है, स्टोरी आप क्लिक करेंगे तो यही प्रोसेस है, और रील्स का ये ठीक है, रील्स में थोड़ी चेंजिंग है, उसमें ये होगा
कि आपने ये फोटो वगैरह तो सेलेक्ट कर ली थी कि वीडियो वगैरह, बैकग्राउंड पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन भी देता है ऊपर, ठीक ना। म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक बैकग्राउंड पर उधर बता देगा, जो भी सेलेक्ट करेंगे वो लग जाएगा, ठीक है ना। ये का वो मुश्किल नहीं है, आप उधर सेलेक्ट करेंगे फिर वो ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऐड ऐड म्यूजिक, ठीक है ना। उस पर क्लिक करेंगे वो आपको म्यूजिक दिखा देगा, वो बैकग्राउंड पर आप वो लगा देंगे तो वो आपका लग जाएगा। फिर आपने टिक पर क्लिक करना है, और टिक पर क्लिक करने के बाद क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आपने ऊपर एरो पर क्लिक करना है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एरो पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने स्क्रीन डार्क हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको पिक के ज़रिए आपको समझाऊँगा कि पिक पिक में आपको बताऊँगा कि क्या क्या चेंजिंग कर सकती हैं, ठीक है ना। तो पिक में आपने सिंपली एरो पर क्लिक करना है तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फिल्टर और एडिट का। फिल्टर का आपको पता है, फिल्टर आप चेंज कर सकते हैं कि आपने पेज का क्या है फिल्टर वगैरह, एडिट वगैरह यानी कि फ़ोटो की क्रॉप कैसे कर सकते हैं और इसमें यानी कि चीज़ें वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, वो एडिट का ऑप्शन इधर ही दिया हुआ है। सिंपली आपने आगे क्लिक करना है, ये प्रोसेसिंग के बाद आगे आएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ देखें ऊपर पर माई प्रोफाइल पिक नज़र आ रही है, इसके साथ कैप्शन है दोस्तों। कैप्शन में आपका टाइटल बार और डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन और आपने कैप्शन वो देनी है जिसके मुतालिक आपने पोस्ट बनाई हुई है, जो पोस्ट आपने बनाई हुई है उसी के मुतालिक आपने कैप्शन और डिटेल देनी है, और इधर ही आपने टैग्स लगा देने हैं, टैग्स लगा देने, ठीक है ना। तो इधर ही लगा देने, नीचे आपको टैग पीपल है, पीपल को टैग कर सकते हैं, ऐड मैसेज बटन दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है। देखें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इन ऐसे क्या कहते हैं, सेंड मैसेज टू इंस्टाग्राम, यानी कि जो व्यूवर है आपकी पोस्ट पर आया है वहाँ से आप तक किस तरीके से करें। जो बटन आपने उधर लगाया हुआ था ना दोस्तों देखे नीचे रेड कलर का, वो यही है, ठीक है ना। आप इधर व्हाट्सएप का बटन लगा दें, मैसेंजर का लगा दें तो वो नीचे आपकी पोस्ट पर लगा देगा, तो जो भी इस पर क्लिक करेगा वो सीधा आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा या मैसेंजर पर आ जाएगा, उसके ज़रिए आपसे कॉन्टैक्ट कर देगा। आपने ये करके सिंपली टिक पर क्लिक करना है तो ये आपका टिक हो जाएगा, देखें, ठीक है ना। तो नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है बूस्ट पोस्ट का, आप अपनी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं, इसको वो बूस्ट कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। बूस्ट ऐड वगैरह, उसके नीचे आपको बताया है शेयर ऑन फेसबुक, आप इसे ऑन करेंगे तो ये जो पोस्ट है आपकी ये फेसबुक पर ऑटोमेटिक इधर के साथ ही शेयर हो जाएगी, ठीक है ना। ट्विटर और टम्बलर का भी नीचे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये देखें मेरे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आपने कैसे अपनी पोस्ट लगानी है, रील्स वगैरह अपलोड करनी है तो वो आपको समझ आ चुकी। अगर रील्स वगैरह किसी भाई को अपलोड करने में थोड़ी मुश्किल आए तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड पर आ जाते हैं, पोस्ट करने का तरीका आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। सिंपल अब आपने अपनी मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये पोस्ट है, पोस्ट को गैलरी में कैसे आप ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को गैलरी में सेव करने का तरीका उसका सिंपली ये है, ये पोस्ट है, पोस्ट पर आपने ऊपर जो है ना राइट पर क्लिक करना है तो इसे डिलीट करने का तरीका बता दूँ, ये नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन आया, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इसके जो लाइक हैं उसे हाइड कर सकते हैं, कमेंट को हाइड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टर्निंग ऑफ रिमिक्स पर जो आपने रिमिक्स लगाए हैं उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, पिन टू योर कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पर, पिन तो ये होगा कि आपकी जो है ना प्रोफाइल पर ये टॉप पर नजर आएगी, ये पोस्ट जो है ना टॉप पर नजर आएगी, जो भी आएगा सबसे पहले आपको उसे ये व्यूअर को यही नजर आएगी। ऊपर जो आपको लिंक है, लिंक आपको इसका क्या कहते हैं कॉपी कर सकते हैं, उसके साथ सेव का ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सेव वो ऑप्शन है, ये आपके सीधा गैलरी में नहीं जाएगा, ये आपके इंस्टाग्राम पर सेव होगा, सेव कहाँ पर होगा वो मैंने आपको बता दिया है, रमेश क्यूआर कोड, ये भी वो चीज़ है। आपने सिंपली नीचे आना है, मोबाइल में सेव करने का तरीका ये कि आपने ये जो आपको शेयर का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, तो ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी इस पर क्लिक करना है, और इसके ऊपर आपको ऑप्शन दे रहा है थ्री डॉट का, इस पर आपने क्लिक करना है, सो के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो ये आपका सेव हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सेव हो जाएगा, आपकी सीधा गैलरी में सेव होगा। तो मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने अपनी पोस्ट को वैसे बूस्ट करना है, ऐड वगैरह कैसे चलाने हैं तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता चलता हूँ, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आपने अपनी पोस्ट को कैसे बूस्ट करना है, उसकी ऐड कैसे चलानी है, तो सिंपली आपने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट को कैसे बूस्ट करना है, ऐड कैसे चलानी है, तो उसके लिए आपने अपनी पोस्ट पर आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा बूस्ट पोस्ट का। इसी तरह रील्स पर भी यही है, आपने अपनी जो रील्स अपलोड की होगी आपने अपने जाकर प्रोफाइल से वो रील सेलेक्ट करनी है, उसके नीचे आपने वो करना है, तो उसे आप बूस्ट फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टाग्राम की तरफ से बंद है। आप अपनी वीडियो को इधर बूस्ट कर सकते हैं, वीडियो आपकी 90 सेकंड तक हो तभी आप उसे भी बूस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिंपली आपने बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे चार ऑप्शन मांगेगा, पहले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है, उसमें चीज़ें दर्ज करनी है, फिर सेकंड ऑप्शन पर मूव करेंगे, फिर थर्ड ऑप्शन पर, फिर फोर्थ ऑप्शन, चार स्टेप पे हैं। चार स्टेप के पास आपकी आपकी जो है ना ऐड बूस्ट हो जाएगी। सबसे पहले वो आपसे ऑप्शन पूछ, ये आ गया गोल, सेलेक्ट अ गोल, ठीक है ना। इसे आपने सेलेक्ट करना है कि मोर प्रोफाइल विजिटर, यानी कि आपकी प्रोफाइल पर लोग ज़्यादा विजिट करें, मोर वेबसाइट विजिटर, आपने अपनी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, या फिर मैसेज भी करा आप चाहते हैं कि आपको मैसेज भी कराएं। आपने यहाँ पर अपनी पहली पर क्लिक करना है, तो आपकी ये देखें आप बूस्ट पोस्ट चलाएंगे तो सबसे ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट करेंगे, ठीक है ना, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है मोर वेबसाइट विजिटर, यहाँ पर आपने यूआरएल डालना है और नीचे ये जो है बटन है, जैसे वो वहाँ पर मेरी पोस्ट पर व्हाट्सअप बटन ऐड है, यहाँ पर आप ये बटन ऐड कर सकते हैं आपकी ऐड चलाने के लिए। इस पर सिंपली काम सबका एक ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, जो भी इस पर कॉन्टैक्ट कर क्लिक करेगा इस बटन पर वो आपकी सीधा क्या कहते हैं वेबसाइट पर चले जाएगा। बैक पर चलते हैं, नीचे मोर मैसेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा व्हाट्सअप बटन ऐड है, तो उसने ऑटोमेटिक व्हाट्सअप सेलेक्ट कर दिया। आप इसे मैसेंजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ये नीचे मैसेंजर है, इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें मेरा ये उसने व्हाट्सअप का भी लगा दिया, मैसेंजर भी लगा दिया। आप इनमें में से एक अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखें स्पेशल ऐड कैटेगरी। दोस्तों आपने इसके अंदर नहीं जाना, ये वैसे करिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट और सोशल इशूज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आपका कोई सोशल मीडिया इशू नहीं है, कोई भी इलेक्शन नहीं है, आपका सिंपली बिजनेस है, तो आपने इसे सेलेक्ट में नहीं जाना, इसे कुछ नहीं इसमें चेंजिंग करना, नीचे आ जाना है ऑटोमेटिक। दोस्तों ये ऑटोमेटिक इसलिए सेलेक्ट है कि आपकी जो ऐड है ये इंस्टाग्राम ना किसी को भी कहीं भी किसी वक्त भी दिखा सकता है, ये उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी दिखाए जहाँ पर दिखाए, इस ये ऑटोमेटिक इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आपने इसे छोड़ कर नीचे जो है ना क्रिएट ओवन पर क्लिक करना है, तो ये देखें यहाँ पर आपने ऑडियंस नेम, दोस्तों ऑडियंस नेम ये वो है जो आपकी याद दहानी के लिए होगा, ये आपकी याद दहानी होगी, यानी कि आपने पता नहीं कितने लोगों की ऐड चलाई हुई है, तो आपको ये तो नहीं पता चलेगा भाई ये ऐड कौन सी है। इस पर अपना नेम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ये पब्लिक नहीं होगा, क्या कहते हैं ऑडियंस नेम, नीचे वाली जो चीज़ है लोकेशन वगैरह ये पब्लिक होगी, ठीक है ना। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं ऑडियंस नेम में। नीचे आपको लोकेशन का ऑप्शन है, लोकेशन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ये लोकेशन दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है जहाँ पर आपकी ऐड चलेगी, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी ऐड चलेगी आप चलाना चाहते हैं वो आपसे ये पूछ रहा है। मैं जैसे लिख देता हूँ स्पेन, ठीक है, ये स्पेन हो गया एक्सैक्ट। मैं चाहता हूँ स्पेन अकेला है, इसके साथ है ना कोई और मैं मुल्क कर लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इंडोनेशिया, देखें इंडोनेशिया आ गया, तो ये देखें मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इन दोनों पर मेरी ऐड चलेगी, और उसे बता दिया भाई इतनी इतने यहाँ पर मौजूद हैं, इनके इतने अकाउंट यहाँ पर मौजूद हैं, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, यानी कि इतनी एस्टिमेट है ऑडियंस अपेयर है, ठीक है ना। तो उस पर नीचे आपने लोकल पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे करंट लोकेशन, इसे आपने ऑफ रहने देना है क्योंकि फिर ये आपकी करंट लोकेशन पर चला देगा। तो इसके नीचे आपने एड्रेस पर क्लिक करना है, एड्रेस वही है, वो नाम वगैरह वो आपने सर्च करना है, आप किसी गली स्ट्रीट कंप्लीट एड्रेस शेयर करने पर इस पर क्लिक करेंगे, एड्रेस पर यहाँ पर एड्रेस देंगे और नीचे रेडियस, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, देखें इतने किलोमीटर की रेंज में आपकी ऐड चल जाएगी। और ये स्पेन का बता रहा है और उसका बता रहा है, इन दोनों का बता रहा है भाई इन दोनों का इतना रेडियस होगा, इधर चल सकती है आपकी ऐड। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको टिक का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। मैंने क्योंकि कनेक्टेशन इधर ऐप भी ऐड नहीं किया तो वो टिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप ऐड करेंगे तो वो आपको आ जाएगा।
ठीक है ना। तो नीचे ये एज और जेंडर दोस्तों आपने इसे सेलेक्ट करना है कि आपकी जो ऐड है कितने साल के लोगों तक जाए, कि 13 साल से 65 साल के लोगों तक आए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं 13 साल क्या है ना आपका 18 साल भी कह सकते हैं कि 18 साल से 65 साल के लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐड ना 23 साल से 65 साल के लोगों तक जाए, ठीक है ना। तो मैं 23 साल सेलेक्ट कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपका मेल और फीमेल, यानी कि आपकी ऐड मेल देखें या फीमेल देखें, आप इनमें से भी कोई सेलेक्ट करके ऐड ऊपर टिक के निशान पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। और ये सब कुछ आप ऐड करने के बाद टिक के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो मैंने अभी इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं की तो वो ऐड दे देगा, आप करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर मूव करना है। ये आप हमारा तीसरा ऑप्शन आ चुका है, तो इसमें आपने बजट आपका सेलेक्ट करना है कि 1,000। ये बजट दोस्तों आपने वो सेलेक्ट करना है जो आपने डेली देना है, आपने डेली पे करना है। ये देखें 1,350 रुपीज़ ये आप डेली पे करेंगे, और ऊपर से मैं बता दिया PKR 7,819 ओवरसीज डे, यानी कि 6 दिनों के इतने रुपीज़ हैं। नीचे अगर आपने देखें तो आपने ड्यूरेशन में 6 डेज सेलेक्ट किए हैं, तो उसने 6 डेज के ऊपर प्राइस बता दी है, तो इसे मैं कम करूँगा तो ऊपर देखें वो 3,945 रुपये कर दिए हैं इसने एक दिन का। तो आप इस पर एक और चीज़ बता दूँ, आप इस पर 526 रुपये से कम की पोस्ट नहीं चला सकते बूथ, क्योंकि डॉलर का रेट कम ज़्यादा होता है, तो इन्होंने 526 आप कर दिया सिलेक्ट, ठीक है ना। आप इसका बजट कम या ज़्यादा करते जाएंगे इस तरह ऑडियंस भी बढ़ती और कम होती आएगी, और फीस भी आपके बढ़ते और कम होते जाएंगे। डेज का भी है, ये डेज आप करेंगे तो आपका वही ऑडियंस और फीस में कमी पेशी आ सकती है। आगे आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने ये जो चीज़ें ऐड की हैं वो आपकी इधर दर्ज हैं। इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखें दोस्तों यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी ऑप्शन आ गया पेमेंट मेथड, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है बिजनेस एंड टैक्स इन्फो या ऐड पेमेंट मेथड, तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। बिजनेस एंड टैक्स इन्फो में आप अपने जो है ना बिजनेस का आईडी कार्ड देंगे और उसका ना एड्रेस वगैरह देंगे, तो वो उसके ज़रिए फिर वो आपसे कट कर लेगा, ठीक है ना, आपके उसके ज़रिए पेमेंट ले लेगा। नीचे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है डेबिट कार्ड पर। ये आपसे 4 ऑप्शन मांगेगा, पहला नेम ऑन कार्ड, दोस्तों ये जो कार्ड पर नेम लिखा होता है जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है MR.IHSA और एन बड़ा, ठीक है ना, वैसे एन बड़ा लिखा नहीं हुआ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ही लिखना है, जैसे ही जैसे नाम लिखा होगा कार्ड के ऊपर वैसे ही लफ्ज़ पर लफ्ज़ लिखना है और वैसे ही लिखना है, ठीक है ना, और उस पर कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके नीचे जो है ना कार्ड नंबर, ये आपके कार्ड के ऊपर ही दर्ज होता है लॉन्ग टर्म में 100, जैसे हो गया 100 35 6 0 7 4 3 2 1 और 1 0 0 6 9 6, इस तरह का होता है। तो ये आप ये मैंने मिसाल दी, इस तरह का होता है लॉन्ग टर्म में, आपके कहीं कार्ड के फ्रंट साइड पर होता है, कहीं कार्ड के बैक साइड पर, मुंह बैक साइड पर नहीं होता, फ्रंट साइड पर दर्ज होता है, तो आपने वो इधर दर्ज करना है। नीचे आपने MMYY यानी कि एक्सपायरी डेट, उस पर जो होगी ना मैनेजमेंट डेट, आपने वो इधर लिखनी है, ये हर कार्ड पर लिखी होती है, ठीक है ना। उसके नहीं इसे ये देखें, मैं मेरी जैसे 05 और आ गया 25, देखिए ये देखिए मैंने 2 ये सर कार्ड नंबर है, ठीक है, कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसे ये देखें मंथ और डेट, जैसे 05 और 25 है, ये देखें 5वां महीना 2025 को मेरा जो है ना कार्ड एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, ये वो बता रहा है। इसके नीचे आप सीवी भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, सीवी भी आपके कार्ड के बैकग्राउंड पर यानी कि होता है, तो 3 डिजिट में होता है, जैसे हो गया 961 हो गया, 6 9 2 हो गया, ठीक है, जैसे हो गया 3 2 8 हो गया, तो
ये 3 डिजिट में दर्ज होता है, ये कभी भी 3 से 4 डिजिट में नहीं जाता, ये 3 डिजिट में ही होता है। जो भी आप कार्ड ले लें या पे ले लें, पेपाल ले लें, जो भी ले लें, 3 डिजिट में ही होता है। आगे आपका सेव करेंगे तो ये आपका जो है ना सारी इंफॉर्मेशन आपकी डेबिट कार्ड की सेव हो जाएगी। इसके बाद आपने ये आपको इधर ले आएगा, जब आप सेव करेंगे आपको सीधा इधर ले आएगा। आपने सिंपली बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है ना बूस्ट हो जाएगी। तो मैंने चीज़ें कुछ ऐड नहीं की हुई है, तो मैं चलाना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। उम्मीद है आपको पोस्ट बूस्ट के बारे में पता चल गया होगा। उम्मीद, और दोस्तों ये भी उम्मीद है कि आपको इंस्टाग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल गई होगी कि आपने इस पर एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, बिजनेस अपना ग्रो कैसे करना है। दोस्तों आप इस पर एडवर्टाइजर चलाएंगे तो यकीन माने आपको इतने कुछ आपको आएंगी आदत, आप दुआएं देंगे, ठीक है ना। तो आपने इस पर एक बार ऐड चला कर लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है, भरोसा रखें आपको बहुत कॉन्टैक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई मुश्किल वगैरह आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज शेयर हो सके। दोस्तों याद रखें, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। अगर आप अपने पास रखेंगे तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। वो उतना ही रहेगा जितना आपको मालूम है, कभी भी बढ़ेगा नहीं। शेयर करेंगे तो हो सकता है उसको भी जो नॉलेज हो वो आपके साथ शेयर कर दे, आपसे इम्प्रेस हो, आपके साथ शेयर कर दे। इसमें इससे ये होगा कि आपका और उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैंने अपना नॉलेज शेयर किया, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आप कैसे होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।